आज PSL का 29वां मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, किस लिहाज से अहमियत रखता है, दोनों टीमों के लिए मैच जीतना क्यों लाजमी है, तमाम इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं या फिर मुल्तान सुल्तान के फैंस हैं या फिर PSL के फैन है तो इस वीडियो को हरगिज पूरा देखिएगा। चलिए बिना टाइम जाए के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PSL का 29वां मैच आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि जितने भी एडिशन हुए हैं लाहौर कलंदर्स की टीम आखिरी नंबर पर रही है। 16 और 17 का एडिशन हुआ, लाहौर कलंदर्स की टीम ने 5वीं पोजिशन हासिल की क्योंकि टीमें ही 5 थी। फिर जब 2018 में टीमों की तादाद 6 को पहुंची तो लाहौर कलंदर्स ने भी अपना नंबर 6 बना ले, यानी लाहौर कलंदर्स ने यह तहिया किया हुआ है कि नंबर लेना है आखिरी। लेकिन इस वक्त फिलहाल लाहौर कलंदर्स की टीम 5वें नंबर पर मौजूद है, मुल्तान सुल्तान की टीम 6 नंबर पर मौजूद है। लेकिन अगर लाहौर कलंदर्स की टीम ये मैच हार जाती है, मुल्तान की टीम जीत जाती है तो लाहौर कलंदर्स की टीम फिर से अपने पुराने वाले नंबर पर आ जाएगी, यानी आखिरी नंबर पर आ जाएगी। लेकिन अगर लाहौर ये मैच जीत जाती है तो लाहौर कलंदर्स की टीम माजी की रवायत को तोड़कर इस बार कुछ बेहतर नंबर हासिल कर लेगी, यानी आखिरी से ऊपर आ जाएगी। इस लिहाज से रवायत को तोड़ने के लिए लाहौर कलंदर्स के लिए मैच जीतना लाजमी है। अगर मुल्तान सुल्तान की टीम जीत गई तो लाहौर का नंबर आखिरी होगा और मुल्तान सुल्तान की टीम के लिए भी इस लिहाज से मैच इंपॉर्टेंट है ताकि आखिरी नंबर से बचा जा सके, अपना स्तंभ थोड़ा अच्छा करके अपनी इज्जत को कुछ बेहतर किया जा सके और लाहौर कलंदर्स के लिए भी अहमियत आके रवायत को तोड़ा जा सके। सब्सक्राइब कीजिए SM कासिम यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।